सर रोज जाम लगता है, जाम इतना क्यों लगता है बताइए? डेली का समस्या है, कोई जेल चल जाता है, कोई बेल्ट टूट जाता है। मैनेजमेंट फेल्योर है, मैनेजमेंट फेल्योर है। क्यों जाम लग रहा है? पदाधिकारी ले पूछिए श्रीमान। क्यों जाम लग रहा है? पदाधिकारी ले पूछिए श्रीमान। जाम कहाँ है? नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, बोल बिहार बोल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं कि मैं अभी अशोक राजपथ में हूं, जहां आए दिन ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल होता है, बहुत भयंकर जाम लगती है। आज मैं यहां मैं देखता हूं, देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इधर आए, ये देखिए कितना जाम है, देखिए ट्रैफिक, कितनी ट्रैफिक यहाँ दिखा सकते हैं आप। आए दिन ये जाम है, इस जाम के बारे में बात करेंगे लोगों से, हम जानते हैं, आइए क्या मामला है, देखते हैं क्या। सर रोज जाम लगता है, जाम इतना क्यों लगता है बताइए सर थोड़ा? अरे जाम लगता है, आगे स्कूल है वहाँ टूटता है, ये घड़ी परीक्षा चल रहा है उसके चलते लगता है। रोज का ये है, रोज लगता है जाम। हाँ। यहाँ पर वो रास्ता आ गया, पीछे जो बन रहा है वो खतरा है, सब गाड़ी लगा देते हैं। परेशान है, परेशानी होती है, पूरा परेशान है, पूरा न्यायालय इसके लिए परेशान होल है। कुछ चाहते हैं इसके लिए सर, कुछ इसके बदलाव होने चाहिए? ये सरकार को कहिए कि दीजिए रिपोर्ट की, रोज जाम से परेशान होल है आदमी, त्राही माम होल है। देख सकते हैं सर, वकील साहब जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि जाम से पूरी तरह ही माम है, सरकार को लेकर इसके लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जाम जो है आज दिन बहुत जबरदस्त तरीके से लग रहा है। इस डेली का ही समस्या है जी, जी डेली 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 का समस्या है, पूरा न्यायालय बाधित हो जाता है इस पीरियड में। अच्छा, एक बजे के टाइम में जो है पूरा न्यायालय का कार्य बाधित हो जाता है। अभी बहुत से लोग ऐसे फंसे हुए हैं, सबका मूव करना है, किसी को बहस करना है, कोई जेल चल जाता है, कोई का बेल्ट टूट जाता है, ये सारा परेशानी है, जो कि अब प्रशासन तनिक सा ध्यान नहीं इस पर देता है। अच्छा, हाँ पूरा शिकायत है। अंकल आप अंकल लगाइए, क्या है अंकल ये बताइए, जाम जो लगता है आप कहाँ रहते हैं? कुलरिया में। सर ये जाम जो है रोज का है क्या? रोज का, स्कूल छूटेगा तो लगेगा रोज रोज। इसका अगर कोई कारण आप मैंने आप परेशान चाहते हैं, कुछ माध्यम से बताइए कि आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं सरकार से, क्या मांग है आपकी? देखिए मांग सरकार से है ये कि यहाँ जब तक कोई दूसरा फ्लाई ओवर अगर नहीं बनाएगा तब ये जाम नहीं खत्म होगा। नहीं क्योंकि यहाँ स्कूल बड़ा स्कूल है। अच्छा, यहाँ स्कूल है देख रहे हैं ना पूरा पूरा, अब एक बैग छूटता है तो आज तो कुछ नहीं, चूंकि एग्जामिनेशन चल रहा है तो कम। कितनी परेशानी होती सर आपको? बहुत परेशानी, बहुत परेशानी है ना, गाड़ी घोड़ा तो आया नहीं सकता है, देख रहे पहले जाने में कितना दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत। देखिए अंकल ये बहुत परेशान है यहाँ पे, और आगे भी हम बात करेंगे। देख सकते हैं कि अभी मैं आगे आ चुका हूँ, अशोक राजपथ से आगे आया हूँ, जहाँ से कोर्ट न्यायालय की तरफ एक रास्ता मुड़ता है, जहाँ पे इतनी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हम बात करेंगे यहाँ ट्रैफिक वालों से भी कि क्या। सर बताइए ये आप कहाँ से हैं? सर मैं मनेर से हूँ। यहाँ क्या जाम आप आए दिन लगता है, क्या लग रहा है क्या? आए दिन हमेशा जाम रहता है सर। इससे परेशानी कितनी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है। कुछ आप कहना चाहते हैं सरकार से? क्या कहना चाहूँ सरकार से सर, बहुत जाम रहती है सर। देखिए तो यहाँ पे जाम की व्यवस्था बनी हुई है, हम बात। अच्छा बताइए सर कि जो रोज का यहाँ जाम है ये कैसे, क्या से कुछ विकल्प हो रहा है या क्यों जाम लग रहा है? पदाधिकारी ले पूछिए श्रीमान। अच्छा वहाँ पूछे था सर आप, क्यों जाम लगता है? जाम लगता है, कम जगह है, गाड़ी ज्यादा है। तो सर ये जो है कितना देर तक लगता है जाम? मैंने ये तो एक पर्टिकुलर टाइम में लगता होगा, पूरे दिन तो नहीं लगता है। अरे छुट्टी के टाइम में जाम लगता है, स्कूल को लेकर नहीं, जहाँ जगह कम है और स्कूल ज्यादा है। ठीक है, दूसरा ये काटा रोड को काट दे ले है ना, कटा हुआ रोड है, रोड कटा हुआ कारण जाम, पूरा जाम है। जाम से इतना परेशान है आदमी कि स्कूल के टाइम पर आदमी सही से स्कूल नहीं पहुंचता है, ऑफिस वाला ऑफिस सही टाइम पर नहीं पहुंच रहा है जी, है ना। क्या कारण इतना जाम लगने का? जाम ये है कि मैनेजमेंट फेल्योर है, मैनेजमेंट फेल्योर है जी, ट्रैफिक सिस्टम पर कोई कंसेप्ट रूल नहीं है, कंसेप्ट नहीं है जी। हम लोग की गवर्नमेंट जो है सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाती है। हम ट्रैफिक रूम में आए हुए जहाँ बात करते हैं फेजर रोड की, जो ट्रैफिक के बारे में सर बताइए क्या कारण इतना, जो इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो जाम लगे, लोगों की शिकायत हो रही है कि बहुत परेशानी होती है आने जाने में, क्या कारण हमें कुछ बताइए सर, क्या यहाँ जाम कहाँ है? अभी था सर बहुत जाम ना, हमने मेरे वीडियो है मेरे पास, स्कूल टाइम जो छुट्टी, हाँ सर हाँ, उस समय भीड़ होती है, उसके बाद जाम लग जाती है तो बहुत ज़्यादा तरीके, तो लोगों का कहना है कि बहुत भीड़ हो जाती है एक डेढ़ घंटे तक, तो सर उसका कारण क्या है? स्कूल छुट्टी, स्कूल के बच्चे लोग छुट्टे हैं जी, और उसी में सर बच्चे लोग जाने आने में भीड़ होती है, तो इसका मतलब है कि अगर स्कूल के कारण थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको, जगह कम है स्कूल के ज़्यादा है ना, उस समय परेशानी क्या मैंने, आप थोड़ा एक घंटा जाम रहती है उसके बाद फिर क्लियर हो जाता है। क्लियर नहीं तो कहा जा रहा है सर कि यहाँ से लेके बहुत लंबा जाम होता है, बहुत लंबा, स्कूल की बस जो है इधर से उधर से जाती है तो थोड़ा जाम होगा ना। अच्छा हाँ, कुछ उपाय नहीं है ऐसा कुछ की जो एक घंटे का जाम जैसे, स्कूल का बस जो है 50 से ऊपर है। देख सकते हैं कि हमारे साथ थे यहाँ अधिकारी थे पुलिस पोस्ट पे, ये सेंट जोसेफ स्कूल के पास का पोस्ट है, जिन्होंने बताया है कि जाम का कारण मुख्यतः कारण था स्कूल बसेस, 50 से ज़्यादा बसेस हैं, 100 से ज़्यादा बसेस हैं यहाँ स्कूल के, ये कारण एक जाम लगता है।
और इनका कहना है कि स्कूल बस के कारण ज़्यादा जाम लग रहा है। चलिए हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे। एक स्थानीय दुकानदार हमारे साथ शॉपकीपर जो ठीक जाम से कितनी परेशानी को है क्या है बात करते हैं। सर कितनी परेशानी होती है जाम से, कारण क्या होता है जाम से? तो हम लोग टोटल दुकानदारी खत्म हो जाती है, कस्टमर तो गाड़ी घोड़ा लेके आएंगे सर। अच्छा तो सर क्या कितने साल से लग रहा है मतलब बहुत कितने दिनों से? जाम कम से कम 5 साल से लग रही है। हाँ, इसके पहले नहीं होता था? इससे पहले जाम नहीं लगती थी। कारण क्या है कुछ पता? कारण क्या है, गाड़ी घोड़ा इतनी हो गई, रोड की चौड़ाई कम है, इस कारण जाम लग रही है। तो क्या आगे बढ़ गई तो आप क्या चाहते सर, कुछ चाहते होगे ना आप? हम तो चाहते हैं कि रोड चौड़ी हो तो जाम लगना बंद हो जाए। तो सर रोड जब चौड़ी होगी तो ऑब्वियस एक एक्सटेंशन होगा आप लोग की शॉप जो है वो भी, तो उसमें सब टूटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम लोग उससे इतराज नहीं करते हैं, लेकिन रोड चौड़ा किया जाए जी। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ स्थानीय दुकानदार थे, इन्होंने कहा है कि रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, ये जाम 5 साल से लग रहा है, इसके पहले नहीं था। इनका कहना है, हमने पूछा भी है कि अगर सर चौड़ीकरण होगा तो दुकान भी टूटेंगे आगे से। इनका कहना है कि टूटे लेकिन एक जगह होनी चाहिए, बड़ी जगह जहाँ पे कि लोग आ जा सके, इनके कस्टमर्स नहीं आ पाते हैं, गाड़ी लगाने की जगह तक नहीं है। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। चलिए हमारे साथ दूसरे दुकानदार जुड़ चुके हैं, इनसे पूछते हैं सर क्या कारण है भीड़ का, ट्रैफिक कितनी होती है, कितनी परेशानी आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी है, यहाँ मेन रोड है, ये अशोक राजपथ का ये मेन रोड है जिसमें आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सब है इसमें। और ट्रैफिक इतना है कि यहाँ पर कोई कवर ठीक से नहीं कर पा रहा है, माने ट्रैफिक पुलिस लोग भी लगे रहते हैं लेकिन उतना भीड़ को आप नहीं माने टैकल किया जा सकता है। ये बताइए कितने साल से आप यहाँ, ये जाम कब से लग रहा है, कितने सालों से आपके यहाँ? हमको तो लगता है कि 15 साल से तो बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, जब से आपका गाड़ी स्कूटर मोटर माने कार वगैरह सब ज़्यादा रोड पर आने लगे, प्लस बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा आने लगे, जिसके चलते यहाँ रश ज्यादा हो गया। तो कष्ट आपके दुकान पे भी असर आता होगा इसके जाम का? दमबाजी बात है, असर ये आता है कस्टमर नहीं आ पाते हैं, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, प्लस घुमाने की जगह नहीं है यहाँ पर। जरा सा 2 मिनट रुकता है, लोग पुलिस ट्रैफिक पुलिस लोग बोलते हैं गाड़ी हटा लेने के लिए आगे, तो बहुत प्रॉब्लम। तो कहा जा रहा है कुछ दुकानदारों ने कहा कि चौड़ीकरण हो जाए, रोड का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी होना ही चाहिए, थोड़ा चौड़ीकरण होनी चाहिए, मतलब जिससे कि उधर भी हो इधर भी हो, थोड़ा सा हम भी दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, देखिए पिछले दुकानदार ने भी कहा है कि रोड के चौड़ीकरण में अगर दुकान टूटता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोड चौड़ा होने चाहिए, क्योंकि अशोक राजपथ बहुत व्यस्तम एरिया है, जहाँ पे PMC है, बहुत सारे यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट है, यहाँ पे मीन देख रहे कि न्यायालय भी है। आपने अभी हमारे पहले भी देखा, एडवोकेट ने कहा था कि न्यायालय है, न्यायालय में लेट होने के कारण कभी बेल टूट जाता है, कभी कोई जेल चल जाता है इस ट्रैफिक के कारण। तो चलिए दुकानदारों का बहुत सहयोग है इनका, है कि रोड चौड़ा हो किसी हाल में और यहाँ पे इनको जाम से निजात दी जाए। थैंक यू सो मच। आगे और एक और इसका सॉल्यूशन है, वो जो गंगा पथ जो बन रहा है उसको जल्दी बनाकर क्लियर किया जाए, और सब इंटरकनेक्ट करना चाहिए, जितने रोडें हैं वो सब गंगा जी किनारे से इंटरकनेक्ट होना चाहिए, जिससे थोड़ा ट्रैफिक कम होगा और बड़ी वाहन सब उधर से ही पास होगा। क्या बात है, देख सकते हैं स्मार्ट सिटी में जो गंगा के कारण जो ब्रिज बन रही है वहाँ पे इनका कहना है कि बहुत जल्द शुरू किया, जिससे कि ट्रैफिक जो है उधर मूव करेगी और ट्रैफिक से निजात मिलेगा। आगे और लोगों से बात कर, चलिए सचिन मैम भी हैं जो यहाँ बच्चों को स्कूल से लेने आती है, इनका घर यही स्थान है। आप कहाँ से मैम? यही अशोक राजपथ। अच्छा तो मैम इतना जाम होता है, इससे कितनी परेशानी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हमको, क्या एक्चुअली सारे पेरेंट्स को भी होती है, किसी को ऑफिस का टाइम है, किसी को स्कूल का टाइम है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या चाहती हैं आप, कुछ मैसेज देना चाहती हैं कि जाम से कैसे क्या? इसको तो प्रशासन को इस चीज़ को लेके एक होना चाहिए कि नहीं इतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, और ताकि बच्चों लोग को भी परेशानी नहीं हो और अभिभावक लोग को भी परेशानी नहीं हो। चलिए हमारे मैम थी जिन्होंने बताया है कि यहाँ बहुत परेशानी होती है, यहाँ पे अशोक राजपथ में लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए सरकार की जो जाम से निजात मिले, जिसमें अभी आपने देखा कि वकील साहब थे, वकील भी परेशानी में थे कि उनके लेट से कारण कभी कभी बेल टूट जाता है, कभी लोग जेल चल जाते हैं। यहाँ पे देखा दुकानदारों ने भी कहा है कि शॉप पे दुकानदार के कस्टमर्स नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं मिल पाती है, कस्टमर गाड़ी नहीं लगा पाते हैं, और दुकानदारों का कहना है कि अगर इस रोड का चौड़ीकरण हो, इसके लिए अगर शॉप से अगर दुकान भी टूटते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन चौड़ीकरण यहाँ बहुत ज़रूरी है और जाम से निजात मिलना यहाँ अशोक राजपथ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।